बीती कहानियां दिप्तेश के संग। शिव पार्वती से छूटा बद्रीनाथ धाम। एक बार भगवान विष्णु को तपस्या के लिए एकांतवास की अत्यंत आवश्यकता थी, तो उन्हें भगवान शिव और पार्वती का निवास स्थान बद्रीनाथ धाम सर्वाधिक उपयुक्त लगा। तब भगवान विष्णु ने शिशु अवतार लिया और बद्रीनाथ स्थित भगवान शिव की कुटिया के बाहर आकर रोने बिलखने लगे। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती शिशु की ओर दौड़ी चली आई और उसे दूध पिलाया और कुटिया के अंदर ले जाकर सुला दिया और तत्पश्चात भगवान शिव के साथ स्नान करने के लिए चली गई। जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ वापस आए तो देखा कुटिया का दरवाजा अंदर से बंद था। पार्वती जी ने बच्चे को जगाने का भरसक प्रयास किया पर बच्चा नहीं जागा। तब शिव जी ने कहा, हे पार्वती, अब मेरे पास दो ही विकल्प हैं, या तो यहां की हर चीज को मैं जला दूं या फिर यहां से कहीं और चले जाएं। शिशु के कुटिया के भीतर सोए हुए होने के कारण वो कुटिया को जला तो नहीं सकते थे। अंत में माता पार्वती और भगवान शिव को बद्रीनाथ छोड़कर केदारनाथ में अपना निवास स्थान स्थापित करना पड़ा। कथासार प्रभु की लीला।